बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्राइसिंग सेक्शन, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट से देखा होगा इस तरह से, जहाँ पे इस तरह से कुछ कार्ड्स बनाए जाते हैं प्राइसिंग प्लान के लिए। तो ये सेक्शन आज हम लोग डिज़ाइन करेंगे HTML और CSS का यूज़ करके। एंड ये जो पेज होगा ये रेस्पॉन्सिव भी है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में भी देखा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कार्ड्स है इसमें एक एनिमेशन भी ऐड किया गया है। ये देख सकते हो आप, जैसे ही हम हावर कर रहे हैं इस कार्ड पे, तो इसमें एक एनिमेशन ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। हमने ऑलरेडी इस तरह के सेक्शंस क्रिएट किए हैं अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने मेरे और भी कई प्रोजेक्ट्स देखे होंगे तो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग VS कोड पे। तो VS कोड को ओपन करने के लिए मैंने एक फोल्डर बना के रखा है अपने डेस्कटॉप पे प्राइस सैंपल के नाम से। एंड अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है। एंड ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। तो हम लोग HTML और CSS को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे HTML और CSS के लिए। तो HTML के लिए मैं बनाऊँगी index.html, एंड CSS के लिए हम लोग बनाएंगे style.css। तो ये दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। नाउ हम लोग आ जाते हैं index.html में, और हम लोग पहले HTML स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग HTML बॉयलर प्लेट को लगा लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देती हूँ। एंड नाउ हम लोगों ने जो CSS फाइल बनाई है इसे लिंक कर लेते हैं अपने HTML कोड पे। तो हम लिखेंगे link:css। तो ये CSS फाइल मेरा यहाँ पे लिंक हो चुका है। कोड को थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। तो ये हो चुका है ना, हम लोग आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर, और यहाँ पे हम लोग HTML स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको टाइटल और हेडिंग दिख रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव लूँगी और इसमें मैं क्लास दे देती हूँ हेडिंग। एंड इसके अंदर हम लोग H1 टैग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्राइस एंड प्लान, जो कि हमारा हेडिंग है। एंड नाउ इसके अंदर हम लोग P टैग को लेके एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं इसे पेस्ट करती हूँ। तो ये हो चुका है। नाउ हम लोग अपने इस कोड को गो लाइव पे क्लिक करके इसे लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं, सो दैट कि हमें आउटपुट भी दिखता रहे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग और जो हमने पैराग्राफ ऐड किया था वो ऐड हो चुका है। और ये जो पेज है इसे मैं अभी ओपन ही रखूँगी, सो दैट कि मैं यहाँ से कंटेंट को ऐड कर पाऊँ। इसे हम लोग तभी ओपन करेंगे जब हमें कुछ कंटेंट यहाँ पर देखने हो। तो अभी के लिए हम लोग अपने इस वेबसाइट पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है ना, हम लोग इसे स्टाइल करेंगे। तो अभी मैं अपने कोड एडिटर और इस ब्राउज़र को साइड बाय साइड रख लेती हूँ। ओके, नाउ आपको कोड और आउटपुट दोनों एक जगह पे ही दिखेगा। तो नाउ हम लोग आ जाते हैं style.css में, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट CSS होती है ये हम लोग ऐड करते हैं सबसे पहले। तो हाँ, हम लोग सबसे पहले ये जो हमने हेडिंग बनाई है इसे हम लोगों ने एक डिव के अंदर लिया है, और डिव में हमने क्लास दिया हेडिंग। तो इसे हम लोग स्टाइल करेंगे सबसे पहले। तो हेडिंग क्लास को मैंने कॉपी किया एंड डॉट के साथ मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगी, और इसमें सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगी। तो बैकग्राउंड मैं एक कलर में ऐड करने वाली हूँ। उसके लिए मैं RGB वैल्यू का यूज़ करूँगी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कलर कोड ऐड करती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर कलर ऐड हो चुका है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इसमें हम लोग ऐड करेंगे पैडिंग 40 पिक्सल की, एंड हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी सारे टेक्स्ट सेंटर में आ चुके हैं। नाउ इस टेक्स्ट के कलर को हम लोगों को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर यूज़ करूँगी वाइट। तो आप देख सकते हो ये टॉप सेक्शन हमारा कम्प्लीट हो चुका है। नाउ इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली H1 को यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, और इसमें मैं फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ 30 पिक्सल, और 40 पिक्सल करती हूँ। ओके, एंड जो हमने पैराग्राफ लिया है इसमें भी हम लोग एक फॉन्ट साइज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज ऐड कर देती हूँ 25 पिक्सल। 25 अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसे 20 कर सकते हैं हम लोग। तो आई थिंक इतना सही है। तो ये हमारा हो चुका है। नाउ हम लोगों को कार्ड डिज़ाइन करते हैं। तो आते हैं index.html में, एंड अगेन इस डिप के बाद तो यहाँ पे मैं एक और डिव लेती हूँ, और इसमें मैं क्लास दे देती हूँ प्राइस टेबल।
एंड नाउ इसके अंदर हम लोग कॉलम्स बनाएंगे जो कि हमारा कार्ड है। तो यहाँ पे मैं क्लास देती हूँ डिव डॉट कार्ड। नाउ इसके अंदर हम लोग यूएल का यूज़ करेंगे और यूएल में भी मैं एक क्लास दे देती हूँ प्राइस। तो यहाँ पे हमें कितने लिस्ट आइटम ऐड करने हैं ये हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जिसमें कि ये हमारा हेडिंग है एंड यहाँ पे सेकंड में एक प्राइस ऐड किया गया है बोल्ड में एंड उसके बाद यहाँ पे फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो लिस्ट आइटम ऐड किए गए हैं वो 7 है। तो इसे मैं अभी यहाँ पे ओपन रखती हूँ और यहाँ पे 7 लिस्ट आइटम हम लोगों को ऐड करना है। तो li मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगी मैं और एंटर करूँगी। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। नाउ यहाँ पे हम लोगों को ये सारे लिस्ट आइटम इस li टैग के अंदर ऐड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो li है इसमें ये हेडिंग ऐड की गई है, जो बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम आपको लिख के दिख रहा है वो हमें ऐड करना है फर्स्ट li में। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट आइटम ऐड कर रही हूँ एंड सेकेंड में हम लोगों को इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है वैसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है। लोग यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं तो मैं कॉपी ही कर लेती हूँ। तो ये यहाँ तक हो चुका है। नाउ लास्ट वाला जो li टैग है इसके अंदर मुझे ये बटन बनाना है बाय नाउ। तो इस बाय नाउ के लिए मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगी क्योंकि इस बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस li के अंदर एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे बाय नाउ। तो ये अभी यहाँ तक हो चुका है बट अभी हम लोगों को क्या करना है, इस ये जो लिस्ट आइटम हमने ऐड किए हैं इसमें कुछ कुछ सेक्शन जो है इसमें देख सकते हो आप अलग से इसमें स्टाइल किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ लिस्ट आइटम में अलग से क्लास ऐड करना होगा। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है ये वाली एलाइट में हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास ऐड करती हूँ और इसमें मैं क्लास देती हूँ उसी तरह से ये जो सेकेंड वाली लिस्ट आइटम है इसमें भी आप देख सकते हो अलग से CSS ऐड की गई है। मीन्स ये जो बाकी के लिस्ट आइटम है इससे अलग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इट मीन्स कि हमें इसे भी अलग से स्टाइल करना है तो हमें इसमें भी एक क्लास ऐड करना होगा जिसके थ्रू हम लोग इसमें अलग से CSS ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देती हूँ ईयर प्लांट एंड लास्ट ये जो लास्ट वाली जो li है इसमें और ये जो ईयर वाला li है इसमें आप देख सकते हो बैकग्राउंड दोनों में आपको सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वाली li में भी सेम क्लास ऐड करेंगे ईयर प्लान। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग इसे ये जो पूरा डिव हमने अभी क्रिएट किया है इसे हम लोग स्टाइल कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बाकी के और कार्ड ऐड करेंगे। तो आते हैं हम लोग CSS में एंड यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे वेबसाइट पे सारी चीज़ें ऐड हुई है। तो ये देख सकते हो आप सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने जो ये UL बनाया है इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो UL में हमने क्लास दिया है प्राइस, यहाँ पे मैं लिस्ट स्टाइल करूँगी नन एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे अभी देखो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा होगा वाइट कलर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी में एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। तो बॉडी टैग को सेलेक्ट किया मैंने और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग और हम लोगों को बैकग्राउंड एक ग्रेडियंट कलर में ऐड करना है। तो मैंने इतना लिखा, मैंने कलर को यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कलर को ऐड कर रही हूँ। ये मैंने कलर ऐड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर ऐड हो चुका है बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगी बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट करती हूँ मैं एंड अभी क्या हो रहा है कि जितने कंटेंट है उतने पे ही बैकग्राउंड दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं बॉडी में। तो विड्थ हम लोग करेंगे 100% और हाइट में कर देती हूँ 100 VH। तो यहाँ पे इस कलर का एक बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हो या फिर आप लोग सेम कलर भी ऐड कर सकते हो। अगर इसे थोड़ा और लाइट कर ले हम लोग इस सेकेंड वाले कलर को तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे। तो ये हो चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, आते हैं index.html में और यहाँ पे हम लोग बाकी के जो दो कार्ड है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने एक ही कार्ड ऐड किया है तो सिर्फ पूरा सेलेक्ट किया मैंने, इस डिप से लेके इस कार्ड वाले डिप तक मैंने पूरा सेलेक्ट किया और सिर्फ अल्ट डाउन एरो के साथ मैं इसे दो बार यहाँ पे कॉपी करूँगी। तो अभी यहाँ पे तीन कार्ड ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों कार्ड जो है वर्टिकली यहाँ पे ऐड हुआ है। तो सबसे पहले इस प्राइस टेबल वाले क्लास को मैं कॉपी करती हूँ। तो हम लोगों को करना क्या है, ये जो तीनों कार्ड है मुझे एक लाइन में चाहिए, मीन्स हमें हॉरिजॉन्टली इसे ऐड करना है या फिर एक रो में लेके आना है। तो सिंपली यहाँ पे इस क्लास को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। तो एक लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे प्राइस टेबल क्लास में क्योंकि जितने भी कार्ड है ये इस डिफ के अंदर ही है। तो इस क्लास में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अभी देख सकते हो आप ये इस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं, एक लाइन में आ चुका है तीनों कार्ड। हाँ यहाँ पे हम लोग करेंगे अलाइन आइटम सेंटर एंड यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। तो ये देख सकते हो आप लोग हॉरिजॉन्टली भी ये सेंटर में आ चुका है
एंड हम लोगों को इसे रेस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो फ्लेक्स रैप में हम लोग करेंगे रैप। तो ये हो गया। नाउ हम लोगों को क्या करना है, अभी देख सकते हो आप ये जो कार्ड है ये ऊपर वाले सेक्शन से बिल्कुल कटी हुई है, तो हम लोग दोनों को थोड़ा सेपरेट करेंगे। तो इस प्राइस टेबल में हम लोग मार्जिन ऐड कर देते हैं, टॉप से 24 पिक्सल की मार्जिन देती हूँ मैं, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये इतना हो गया। नाउ हम लोगों को ये जो हमने कार्ड बनाया है इसे स्टाइल करना होगा, तो उसके लिए इस कार्ड क्लास को सेलेक्ट करूँगी मैं, और आते हैं सीएसएस में, और यहाँ पे मैंने ऐड किया इस क्लास को। तो यहाँ पे कार्ड की विड्थ को सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे, एक कार्ड की विड्थ कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे 25% ऐड करती हूँ, मीन्स स्क्रीन साइज की जितनी भी विड्थ होगी उसमें 25% एक कार्ड को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो ये यहाँ पे सेपरेट भी हो चुका है, एंड इस कार्ड के अंदर हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की। अभी आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जो यूएल के अंदर ये सारे लिस्ट आइटम ऐड किए हैं इसे हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, सो दैट कि हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले यहाँ पे। तो आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर एक यूएल ऐड किया है, और इसमें हमने ऐड किया है प्राइस, एंड इस यूएल के अंदर यहाँ पे इतने सारे लिस्ट आइटम ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम में हमने अलग से क्लास ऐड किया है, तो ये जो सबसे पहले जो हमने हेडर बनाया है इसे हम लोग स्टाइल करेंगे। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, और इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो प्राइस को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जो कि हमने यूएल में क्लास ऐड किया है, प्राइस इसे सेलेक्ट किया मैंने, एंड इसके अंदर जो फर्स्ट वाली एलआई है इसमें हमने क्लास दिया है हेडर, तो इसे स्टाइल करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे हम लोग, तो एक पिंक कलर का बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे पिंक लिखा, और यहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो अभी जो ये पिंक कलर है ये इस तीनों कार्ड में ऐड हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हेडर क्लास, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों कार्ड में ऐड किया गया है, जिससे क्या हो रहा है ये हेडर क्लास जहाँ जहाँ ऐड है वहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा पिंक कलर का। बट हम लोगों को क्या चाहिए कि ये जो सेकेंड वाला कार्ड है इसमें एक अलग बैकग्राउंड ऐड किया जाए, और वो कौन सा कलर का बैकग्राउंड है, टॉप में जो हमने हेडिंग में जो बैकग्राउंड ऐड किया है सेम यही वाला कलर मुझे इस सेकेंड वाले कार्ड के हेडर में ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो हेडिंग में मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड किया है, सेम यही बैकग्राउंड मुझे सेकेंड कार्ड के हेडर में ऐड करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और ये जो सेकेंड वाला कार्ड है हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाली एल आई जो कि हेडर है इसके अंदर आके हम लोग यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था अभी बैकग्राउंड इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं। तो क्लास में जो सी एस एस हमने ऐड की है अब वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनलाइन सी एस एस यूज़ किया है। तो सी एस एस में क्या होता है, इनलाइन सी एस एस का जो प्रेफरेंस होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस से ज़्यादा होता है, मीन्स कि अगर हम लोग एक ही एलिमेंट में इंटरनल सी एस एस ऐड करें और इनलाइन सी एस एस ऐड करें तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इनलाइन सी एस एस को मिलती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करके जैसे ही हमने सी एस एस ऐड किया तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना हो गया, वापस आ जाते हैं हम लोग सी एस एस में, और यहाँ पे हम लोग इस हेडर के अंदर कुछ और सी एस एस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके फॉन्ट साइज को हम लोग बड़ा करेंगे क्योंकि ये हेडर है, तो 25 पिक्सल में ऐड करती हूँ फॉन्ट साइज, एंड इसके कलर को नेक्स्ट कलर को हम लोगों को करना है वाइट। एंड अब हम लोग यहाँ पे इस सारे लिस्ट आइटम को स्टाइल करेंगे, तो लिस्ट आइटम को स्टाइल करने के लिए मैं एलआई टैग के थ्रू इसे यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, जिससे क्या होगा जितने भी एलआई टैग है ये सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पैडिंग ऐड करूँगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, तो अभी आपको डिफरेंस दिखेगा, ये देख सकते हो सारे लिस्ट आइटम कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करूँगी मैं वाइट कलर का। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो कार्ड है ये बिल्कुल एक कार्ड की तरह हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे थोड़ा और सही से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सारे लिस्ट आइटम में एक बॉर्डर ऐड कर देंगे बॉटम से, ताकि ये एक बॉक्सेस की तरह मुझे दिखने लगे। तो 1 पिक्सल का बॉर्डर लेंगे हम लोग, 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे एक कलर ऐड करूँगी मैं, लाइट पिंक कलर का बॉर्डर ऐड करना है हमें। तो ये देख सकते हो आप ये सारे लिस्ट आइटम के नीचे एक बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ये देख सकते हो आप हमारा कार्ड अभी बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। नाउ हम लोग इसमें और सी एस एस ऐड करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इस हेडर में, एंड यहाँ पे इस पिंक कलर को थोड़ा और मैं डार्क करूँगी। ओके नाउ ये कलर सही है। एंड यहाँ पे हम लोग एक बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे। तो मुझे क्या करना है, ये जो हेडर है इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है और टॉप राइट कॉर्नर है ये मैं चाहती हूँ थोड़ा सर्कुलर हो जाए, तो इसके लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो यहाँ पे 8 पिक्सल में ऐड करती हूँ। तो ये देख सकते हो
ये टॉप लेफ्ट जो था ये कॉर्नर हो गया, इस तरह से राउंडेड हो गया है। इसी तरह से हम लोग टॉप राइट कॉर्नर के लिए भी करेंगे। तो सेम लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पे लेफ्ट की जगह मैं ऐड करूँगी राइट। तो ये देख सकते हो आप हेडर का जो टॉप कॉर्नर है लेफ्ट और राइट वाला दोनों इस तरह से राउंडेड हो चुका है। और ये तीनों कार्ड में हुआ है क्योंकि ये हमने ऐड किया है हेडर में और ये हेडर क्लास जो है तीनों कार्ड में ऐड किया गया है। नाउ हम लोग आ जाते हैं ये जो सेकेंड लिस्ट आइटम है ये प्राइस वाला, इसे हम लोगों को थोड़ा स्टाइल करना है। तो इसमें हम लोगों ने क्लास दिया है, सेकेंड लिस्ट आइटम में हमने क्लास दिया है ईयर प्लान। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और आते हैं हम लोग सीएसएस में और यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्राइस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ईयर प्लान को सेलेक्ट किया मैंने। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना है और बिल्कुल लाइट सा ग्रे कलर यहाँ पे ऐड करना है मुझे। तो मैंने ग्रे लिखा, अभी ये बिल्कुल डार्क है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से स्क्रॉल करके ये कलर को चेंज करेंगे, थोड़ा और लाइट करेंगे इसे। तो अभी देख सकते हो बिल्कुल लाइट सा ग्रे कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड ये सेम ईयर प्लान वाला जो क्लास है ये हमने लास्ट वाले अलाई में भी ऐड किया था, बट ये यहाँ पे ऐड हो नहीं रहा है लास्ट वाले अलाई में। तो ये क्यों हो रहा है एक बार देखते हैं हम लोग। ये लास्ट वाली अलाई है यहाँ पे हमने, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लास में हमने मिस्टेक किया है। यहाँ फर्स्ट में जो हमने ईयर प्लान ऐड किया है इसके बीच में मैंने डैश ऐड किया है और लास्ट वाली अलाई में हम लोगों ने बस ईयर प्लान लिखा है। तो इसे मैं चेंज कर लेती हूँ, फर्स्ट वाले में चेंज किया मैंने, सेकेंड कार्ड में भी चेंज किया। तो हमें इस तरह से यहाँ पे लिखना था। तो ये हो चुका है, अब आप देख सकते हो ये लास्ट वाली अलाई में भी सेम सीएसएस ऐड हो चुकी है। नाउ हम लोग आते हैं सीएसएस में एंड अभी जो ये सेकेंड अलाई के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये इसे थोड़ा स्टाइल करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा हम लोग बढ़ा लेंगे। तो फॉन्ट साइज मैं करती हूँ 22 पिक्सल एंड इसे हम लोगों को थोड़ा बोल्ड भी करना है। तो वो फॉन्ट वेट मैं लेती हूँ 600। तो ये देख सकते हो आप ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हो ये आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। तो अभी हम लोगों को और क्या चेंजेस करना है, ये साथ यहाँ पे आप देखो ये तीनों कार्ड में अभी एक ही कंटेंट ऐड किए गए हैं। तो इस सारे कंटेंट को हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे index.html में और ये जो सेकेंड वाली हेडिंग है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टैंडर्ड एंड थर्ड वाली जो हेडिंग होगी ये है प्रीमियम। तो ये तीनों की हेडिंग यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे अपने रिव्यू वाले पेज को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से इसके कंटेंट को हम लोग जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे सिंपली और यहाँ पे पेस्ट करना है हमें। तो ये सेकेंड कार्ड के सारे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए हैं इसके अकॉर्डिंग एंड आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले में और यहाँ पे भी मैं सारे चेंजेस करती हूँ जल्दी से। तो सारे कंटेंट यहाँ पे चेंज हो गए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये देख सकते हो तो अभी इतना हो चुका है। नाउ हम लोगों को ये जो लास्ट वाला एलआई है इसमें जो बटन हमने ऐड किया था इसे हम लोगों को स्टाइल करना है। तो इसे हम लोगों को स्टाइल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें एक क्लास ऐड कर देती हूँ और ये क्लास मुझे इस तीनों कार्ड के अंदर ऐड करनी है। इसे मैं फुल स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। तो ये है लास्ट वाला लिस्ट आइटम और इसके अंदर हमने ये एंकर टैग ऐड किया है। तो अभी इस तीनों एंकर टैग के अंदर मुझे एक क्लास ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगी और जहाँ पे एंकर टैग है इसके अंदर आके मुझे कर्सर को रखना है। ये मैंने कर्सर को प्लेस किया एंड यहाँ पे अब हम लोग क्लास ऐड करेंगे जिससे क्या होगा कि तीनों एंकर टैग में एक साथ ही यहाँ पे क्लास ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देती हूँ बटन। तो ये देख सकते हो आप तीनों एंकर टैग के अंदर क्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसे हम लोग मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी बोलते हैं। तो ये हो चुका है। नाउ हम लोगों को इस बटन क्लास को स्टाइल करना है। तो यहाँ पे सिंपली इस क्लास को सेलेक्ट करेंगे हम लोग बटन एंड सबसे पहले इसमें तो जो अंडरलाइन आ रही है इसे हम लोगों को हटाना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में करूँगी डन एंड यहाँ पे इसमें मुझे एक बैकग्राउंड ऐड करना है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड चाहिए मुझे। तो मैं एक कलर कोड यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 0C81। तो ये कुछ ग्रीन कलर का यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये ब्लू कलर में ऐड हो गया है। नाउ हम लोग इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेते हैं, 5-6 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस ऐड करती हूँ मैं एंड इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे पैडिंग, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ये काफ़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पे तो टॉप बॉटम से मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, 6 पिक्सल लेती हूँ एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसके कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे कलर ऐड करूँगी एंड कलर हमें करना है वाइट। तो ये वाइट कलर में हो चुका है ना। इसके फॉन्ट साइज को भी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अभी फॉन्ट साइज इसकी काफ़ी बड़ी है, मैं यहाँ पे 15 पिक्सल कर लेती हूँ। अब हमारा बटन यहाँ पे सही दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट लिख के आ रहा है, ये शायद हमने HTML में कहीं पर टेक्स्ट ऐड किया है। तो ये यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले कार्ड में हमने UL के बाद एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है क्लास बटन। तो इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा और हम लोग बढ़ा लेते हैं, 18 पिक्सल कर देती हूँ मैं, यहाँ पे 8 पिक्सल कर देती हूँ टॉप बॉटम से पैडिंग। तो आई थिंक इतना सही है। नाउ हम लोगों को और क्या करना है, हमने इस कार्ड में एक एनिमेशन ऐड किया था तो वो एनिमेशन हमें ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो प्राइस वाला CSS मैंने ऐड किया है इस प्राइस के ऊपर ही हमें एनिमेशन ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी प्राइस, एंड यहाँ पे हम लोग एक हावर इफेक्ट ऐड करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ट्रांसलेट वाई, और इसके अंदर हम लोग -56 पिक्सल मैं ऐड करती हूँ। तो इससे क्या होगा, आप भी देखो, जैसे ही हम लोग हवर कर रहे हैं किसी भी लिस्ट आइटम के ऊपर, यूएल के ऊपर, इस तरह से इसमें एक एनिमेशन ऐड हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल फास्ट मूव हो रहा है ये। तो इसे फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्म ऐड किया है हमने, तो इस प्राइस के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे और इसे हम लोग ऐड करेंगे कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे एक टाइमिंग सेट करेंगे हम लोग 0.3 सेकेंड के। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड नाउ हम लोगों को इसमें एक बॉक्स शैडो भी ऐड करना था, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो इसमें एक शैडो क्रिएट हो रहा है जैसे ही हम लोग इसमें हवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम हवर के ऊपर ही बॉक्स शैडो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 8 पिक्सल, और यहाँ पे हम लोग RGBA वैल्यू यूज़ करेंगे, और इसमें लाइट सा पिंक कलर मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक कलर कोड ऐड कर रही हूँ, देखते हैं कौन सा कलर क्रिएट होता है। एंड इसमें ब्लर वैल्यू मैं दूंगी 0.5। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये शैडो यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड कलर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने लास्ट में 8 पिक्सल किया है, इसे भी मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर देती हूँ। एंड अगर कलर ज़्यादा डार्क लग रहा है तो इसे हम लोग यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करके इसे थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो कि हमने इस हेडर के कॉर्नर को राउंडेड किया है, बट जब ये इस तरह से इसमें एनिमेशन ऐड हो रहा है तब आप टॉप पे देखो, इसका जो राउंडेड वाला कॉर्नर है ये यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हेडर में जो बॉर्डर रेडियस ऐड किया है सेम मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगी और इस प्राइस वाले क्लास के अंदर इसे ऐड कर दूंगी। तो अभी देखो वो जो स्पेस आ रहा था कॉर्नर पे, अब वो नहीं आ रहा है। तो ये हमारा इतना हो चुका है। तो हमने 3 कार्ड यहाँ पे ऐड कर लिया, हमने एनिमेशन भी ऐड कर लिया। नाउ हम लोगों को इसे रेस्पॉन्सिव बनाना है। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हो जैसे ही स्क्रीन साइज थोड़ा कम हो रहा है तो ये जो कार्ड है इसके पीछे आपको ये बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने हाइट ऐड किया है बॉडी में 100 VH, यहाँ पे हाइट की जगह हम लोग कर देंगे मीन हाइट। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड पूरे कार्ड पे ऐड हो रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हो अब ये जो बैकग्राउंड है पूरे स्क्रीन पे ऐड हो रहा है। तो ये हो गया, नाउ हम लोग इस कार्ड को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये 700 तक के स्क्रीन साइज के लिए रेस्पॉन्सिव है, मीन्स कि हमारे जो कार्ड है बिल्कुल परफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं हो रहा है। बट ये जैसे ही 700 से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जा रहा है, मीन्स ये जो बटन है ये इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग मीडिया क्वेरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी @media ओनली स्क्रीन, तो यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन साइज ऐड कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम विड्थ मैं ऐड कर रही हूँ 600 पिक्सल। तो जब भी ये 600 पिक्सल से नीचे जाएगी तो यहाँ पे क्या मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, तो हम लोग चाहते हैं कि जब ये मोबाइल स्क्रीन पे जाए तो एक ही कार्ड डिस्प्ले हो और जो दूसरा कार्ड है वो रैप हो जाए। तो ये कार्ड हमने कहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो हमने कार्ड ऐड किया है। तो इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और सिंपली इस मीडिया क्वेरी के अंदर ला के मैं इसे पेस्ट करूँगी और यहाँ से इस पैडिंग को मैं हटाऊँगी। तो जब हमें एक ही कार्ड डिस्प्ले कराना है 600 पिक्सल तक के विड्थ में, तो इसकी विड्थ को मैं कर दूँगी 100%। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो इंस्पेक्ट पर क्लिक किया मैंने एंड अभी आप लोग देखना, तो ये देख सकते हो जैसे ही 600 से ये नीचे आ रही है तो यहाँ पे एक ही कार्ड डिस्प्ले हो रहा है अब। तो ये तो हमारा हो गया मोबाइल स्क्रीन के लिए रेस्पॉन्सिव। बट अभी देखो 600 से थोड़ा ऊपर आने के बाद भी ये जो बटन है बाय नाउ वाला ये चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक और मीडिया क्वेरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस सेम मीडिया क्वेरी कोड को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं 800 पिक्सल, और यहीं पे हम लोग मिनिमम विड्थ भी ऐड करेंगे। एंड मिनिमम विड्थ मैं कितना रखूँगी 600 पिक्सल। तो मैंने इस तरह से ऐड किया, इट मीन्स कि जब हमारे स्क्रीन की साइज 600 और 800 पिक्सल के बीच में होगी तब क्या मीडिया क्वेरी अप्लाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बिगर स्क्रीन साइज के लिए ऑलरेडी डिज़ाइन किया है, तो स्टार्टिंग में हमने कार्ड के विड्थ को 25% किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब 600 और 800 पिक्सल के बीच में हो स्क्रीन साइज तब कार्ड की जो विड्थ हो वो 33% हो। तो अभी हम लोग देखते हैं, अगेन मैं यहाँ पे फिर से इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगी। तो ये देख सकते हो आप, अभी ये जो बटन यहाँ पे चेंज हो जा रहा था 600 से ऊपर, अभी ये नहीं होगा क्योंकि अभी इस कार्ड में हमने 33% की विड्थ ऐड कर दी है 600 से 800 के बीच में। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी एंड जैसे ही ये 800 से ऊपर जाएगी तो इस कार्ड की विड्थ फिर से 25% हो जाएगी। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ये पेज पूरा, हमने मीडिया क्वेरी भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना छोटा सा हमने कोड
किया है और इतना ब्यूटीफुल सा प्राइसिंग पेज हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। सब कुछ ऐड किया हमने यहाँ पे, एनिमेशन ऐड किए हैं हमने, डिफरेंट सेक्शन डिज़ाइन किया अलग से, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके किया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह से आप लोग खुद से भी किसी भी वेबसाइट पे चेक करके कोई भी सेक्शन अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी HTML और CSS की। तो आप लोग खुद से ये सारी चीज़ें ट्राई करना, एंड अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को इसके सोर्स कोड भी दे दूँगी। तो हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। एंड इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।